जीप क्या होती है? अप डाउन जीप होती है ना, बट चेन इसको बोलते हैं। आप जो आप पैंट पहनते हो उसमें भी होती है जीप, ठीक है, जैकेट डालते हो उसमें भी होती है जीप, गर्ल्स टी शर्ट डालती है उसके पीछे भी होती है जीप, फ्रॉक में होती है ना बैक साइड में, ठीक है, वो होती है जीप, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, जेड की फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है, सिंपल है, ओके। चलिए देखिए फर्स्ट लाइन, ओके, इंग्लिश की नॉट बुक हमारी फोर लाइन वाली है, ओके। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उस पर हम लिखेंगे स्लीपिंग लाइन, ओके, ये हमारी हो गई। देखिए ये हमारी है स्लीपिंग लाइन, ओके। उसके बाद ये देखिए, ओके, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन पे, देन थर्ड लाइन से दोबारा स्लीपिंग लाइन, तो हमारा जेड हो गया तैयार। कौन सा लेटर तैयार हो गया ये हमारा जेड, ओके। वन टाइम और करते देखिए, ये फर्स्ट लाइन पे करेंगे, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसी पे ऐसे प्रेस करेंगे, पेंसिल को लेटा देंगे, मतलब लाइन को लेटा देंगे स्लीपिंग लाइन, ओके। देन सेकेंड लाइन से, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन पे ले जाएंगे, ठीक है, तिरछी रेखा स्टार्टिंग लाइन, उसके बाद ले जाएंगे स्लीपिंग लाइन, ठीक है बेटा। तो हमारा कौन सा लेटर तैयार हो गया, ये जेड कैपिटल, ओके। अब हमें स्मॉल जेड भी सीखना है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन से थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन पे, ठीक है, उसके बाद कर्व करते हुए थर्ड लाइन पे, सेकेंड लाइन से कर्व करते हुए थर्ड लाइन पे, देन थर्ड लाइन से कर्व करते राइट साइड को ही कर्व करते हुए घुमाते हुए इसकी पूंछ निकाल देंगे। हमारा कौन सा लेटर तैयार हो गया, स्मॉल जेड, ओके। वन टाइम और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए थर्ड लाइन से सेकंड लाइन, देन सेकंड लाइन से थोड़ा सा कर्व करते हुए थर्ड लाइन, देन साइड राइट साइड को कर्व करते हुए घुमाते हुए इसकी पूंछ निकाल देंगे।